हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रवि माजा। और आज हम लोग देख रहे हैं i20 एक्टिव। ये एक बेहतरीन मॉडल है ह्यूंडई कंपनी का। और चलिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो लेट्स एक जनरल वॉक थ्रू हम लोग ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये कार ह्यूंडई की सबसे एक हिट कार्स में मानी जाती है। जो i20 आप देख रहे हैं, ये डीजल मॉडल है और ये 1.6 लीटर डीजल इंजन के साथ में आता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अलॉय व्हील्स, DRLs और LED हेडलैम्प्स और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये सब फीचर्स के साथ में ये गाड़ी आती है। और डे टाइम रनिंग लाइट्स और बहुत ही बेहतरीन लुक, स्पॉर्टी लुक इसमें आता है। तो दोस्तों, जैसे ये देख रहे हैं, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ में ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और अंदर का आप देख सकते हैं लेग स्पेस, ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस GPS नेविगेशन प्लस आपका ड्यूल चार्जिंग पोर्ट। इसके अंदर 6 गियर्स अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरा डिजिटल डिस्प्ले, पूरा आपका स्टीयरिंग के ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल एंड स्मार्ट स्टीयरिंग, जिसे हम लोग कह सकते हैं फ़ोन पिकअप करना, ये सब फीचर इसके अंदर दिए गए हैं। और आप विंडो की तरफ देख सकते हैं, तो पूरी तरह से विंडो ऑटोमेटिक, आपके मिरर क्लोज हो सकते हैं, पूरा ऑटोमेटिक मिरर एडजस्टमेंट है, आपके पूरे चारों डोर जो है पूरी तरह से अनलॉक लॉक हो सकते हैं, और पूरी तरह से हैंडल एयरबैग जो है आपके हैंडल में अवेलेबल है। और जो स्पेस दिया गया है इसके अंदर, उसके अंदर भी आपको कूलिंग फैसिलिटी, एक नॉब दिया जिससे आप कूलिंग पानी को बॉटल को रखेंगे तो वो ठंडा हो सकता है। जो ड्यूअल चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं, USB और लाइन इन, ये हैंड रेस्ट दिया हुआ है, और एक स्पेशल स्पेस भी दिया गया है आप जहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं हैंडल के पास में। रियर में आपको मिलता है एयर कंडीशन वेंट्स, और पीछे से जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन व्यू। यहाँ पे एयर बैग्स दिए गए हैं दोनों साइड में पीछे, और सीट के अंदर भी दो एयर बैग्स दिए गए हैं, यानी कि पिलन राइडर या पीछे के जो राइडर्स हैं उनके लिए भी, और आगे के जो राइडर्स हैं, पूरी सेफ्टी का फीचर इसके अंदर रखा गया है। और पीछे भी काफ़ी हेडरूम या लेग रूम जो है प्रॉपर दिया गया है। कैमरा सिस्टम आप देख सकते हैं, जैसे आप स्टेयरिंग घुमाते हैं तो कैमरा का जो है वो जो गाइड्स है वो भी आपको उसमें प्रॉपर डिस्प्ले दिया जाता है। और पुश बटन स्टार्ट, जो कीलेस एंट्री है, सब फीचर्स जो नॉर्मल सारे गाड़ियों में होते हैं, ये देख सकते हैं। टिल्ट स्टेयरिंग इसमें दी गई है, आप स्टेयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं आपके ड्राइविंग के हिसाब से। इंटीरियर बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सुंदर और कंफर्टेबल फीलिंग इसके अंदर आती है। बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, और 60-40 स्प्लिट भी आप कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है। CRDI का 1.6 लीटर का इंजन है, और ये जो टॉप मॉडल है इसके अंदर डायमंड रिंग्स जो कह सकते हैं व्हील के लिए, अलॉय व्हील्स के लिए दी गई है। जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के बारे में बात कर रहा था, बहुत ही बढ़िया लुक आता है, एक स्पोर्टी लुक और एक SUV क्रॉसओवर टाइप लुक इस कार के अंदर पूरी तरह से मुझे देखने को मिला। और ये बहुत ही लुहानी गाड़ी जो आप कह सकते हैं। इसकी रेंज जो है, आप जो हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में हैं, तो अराउंड टॉप मॉडल आपको 11 लाख तक आपको चला जाता है। और ये जो जनरल लुक मैं आपको वॉक थ्रू दिखाना चाहता था, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें या पूरी तरह से कार के बारे में बात करें, तो ये बहुत ही बेहतरीन चॉइस हो सकती है।